तो ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों इसमें क्या है कि एक पर्सन ब्रिंग ए मास ऑफ वन के जी फ्राम टू टू ए पॉइंट ए मतलब इन्फिटी से ला रहा ये इन्फिनिटी से ला रहा आराम से और यहाँ तक लाया यार इन्फिनिटी से ला रहा इस पॉइंट तक तो वो कहता है कि इस पॉइंट पे यहाँ पर वेलोसिटी भी इसके पास है टू मीटर पर सेकंड की यहाँ पर वेलोसिटी भी है यहाँ से ला रहा था ऐसे हालांकि पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है तो ये इट रीच द पॉइंट ए दिस इज द पॉइंट ये जो पॉइंट है वो ए है यहाँ पर तो कहता है वर्क डन बाय द पर्सन इज माइनस थ्री जूल अब जो पर्सन इसको ला रहा भाई ये जो पर्सन है जो पर्सन इस मास को ला रहा है ये पर्सन है ठीक है तो ये पर्सन इस मास को ला रहा है और ये जो है वो बेसिकली माइनस थ्री जूल वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने मतलब जो भी पर्सन वर्क कर रहा है एनर्जी कंजर्वेशन से इसको कर सकते हो आप तो जो भी पर्सन ये वर्क परफॉर्म कर रहा उसका वर्क डन प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है बाय द एक्सटर्नल एजेंट ठीक है तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो वर्क डन बाय द पर्सन है लेकिन जो पर्सन का वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज करेगा ही करेगा साथ साथ उसका वर्क डन वेलोसिटी के फॉर्म में भी दिख रहा है तो वो जो वेलोसिटी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो मैं एड कर दे रहा हूँ तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वर्क डन बाय द पर्सन इज इक्वल टू माइनस थ्री जूल और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस हाफ एम बी स्क्वायर ये वाली तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं भाई पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो मास मल्टीप्लाइड वाई पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट फाइनल माइनस मास मल्टीप्लाइड वाई पोटेंशियल इनिशियल प्लस हाफ मास एम बी स्क्वायर डेट इज माइनस थ्री जूल तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली जो है वो मास थ्री जूल आ जाएगा इधर मास वन है प्लस वन वन के जी है पोटेंशियल ऑफ फाइनल हमें पोट निकालना है फाइनल पोटेंशियल माइनस मास वन के जी इनिशियल पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो हाफ मास वन के जी है और वेलोसिटी टू का स्क्वायर तो फाइनली माइनस थ्री और वी फाइनल और प्लस ये टू तो तुम यहाँ पे देखोगे फाइनल जो पोटेंशियल आ जा रहा है या पोटेंशियल पॉइंट ए आ जा रहा वो आ जाएगा माइनस फाइव जूल पर के जी दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सी ऑप्शन इसका सही है